मैं ये नहीं समझती कि मैं गली गली घूम रही हूँ या मैं घर घर जा रही हूँ, जैसे कि हमारे विरोधी बोलते हैं कि हम एक लड़की हैं, हमको घर में मेहमान को चाय पिलानी चाहिए। हम भी पिलाते हैं घर में चाय अपने मेहमानों को, हम भी अपने पिता के लिए खाना बनाना चाहते हैं। हम भी एक लड़की हैं, हम जानते हैं एक लड़की की शोभा क्या होती है, पर आज आपने हमको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया है कि हमें यहाँ पे आपके मंच के सामने आके आपसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज आपने हमको ऐसी जगह पर लाया है कि हमको हर बाजार में जाना पड़ रहा है, हर घर पर जाना पड़ रहा है, हर किसी से अपनी बात बोलनी पड़ रही है, क्योंकि ना आपने हमारे पिताजी को अपने बीच में छोड़ा, ना हमारे भाई को यहाँ पे छोड़ा जो आपका जवाब दे सके। हम यहाँ पे अपनी माताओं से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से मिलने आए हैं और आप हमारे खिलाफ दरखास्त डाल रहे हैं कि हम यहाँ ना आए, हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए, हमारे भाई का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। आप लोग हमको बताइए कि हम अगर आप लोग बोलेंगे हमें विरोधियों से कोई मतलब नहीं है, अगर आज आप यहाँ पे खड़ी एक एक औरत, एक एक आदमी अगर हमसे ये बोल दे कि हम यहाँ ना आए तो हम नहीं आएंगे, पर हमें पता है कि आज आप लोग यहाँ पे मेरे परिवार हैं, हमारे साथ खड़े हैं, आप लोगों के लिए हम यहाँ आए हैं और आप लोगों के लिए हम यहाँ आते रहेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए इतना काम किया है। हम जब से बड़े हुए हैं तब से हमने ये क्षेत्र ही देखा है, आप लोगों को देखा है, आप लोगों को देख के हम बड़े हुए हैं, और आज जब आप लोगों के बीच में आपका नेता नहीं है तो हम अपने पिताजी की तरफ से आप लोगों के बीच में आए हैं, क्या ये गलत है? आप लोग जान रहे हैं कि आज 15 साल से हमारे माँ बाप जेल में हैं, हम बहुत छोटे थे, हमारे माँ बाप हमसे छीन लिए गए केवल क्योंकि हमारे विरोधी इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया कि पिताजी आप लोगों के बीच में ना आ सके। आज उनकी सजा 4 साल पहले खत्म हो चुकी है, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके कागजात पे दस्तखत नहीं किया कि हमारे पिताजी छूट जाएं।